हाय गाइस, जय गुरुजी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी बच चुकी है 7 और आज 5 दिसंबर, जल्दी जल्दी व्लॉग होते हैं ये सारे। तो हम जा रहे हैं चौकी पे, तो चलो चलते हैं और अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। पकड़ो, मैं अपनी जूती भी निकाल लूँ, मैंने अपनी भी नहीं निकाली है, पकड़ो। तो हम पहुंच गए हैं माता रानी की चौकी पे। एक्चुअली हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, वैसे अभी स्टार्ट हुआ था थोड़ी देर पहले, और बुआ जी का वेट करते तभी थोड़ा सा लेट हो गए, और इतने में नन्नू के ट्यूशन का टाइम भी हो गया था। हमने सोचा वेट तो कर ही रहे हैं, साथ साथ नन्नू को भी ले आते हैं, उसको भी ले जाएंगे। तो बस नन्नू को रेडी वगैरह किया, हस्बैंड उसको ना ट्यूशन से ही कराए थे रेडी। तो यहाँ पर ना जो चौकी है ऑलमोस्ट हो चुकी थी, और हम खड़े हुए थे क्योंकि आरती का टाइम हो गया था। तुझे पता
साढ़े ग्यारह मतलब 12:30 हो गए थे और हम वहाँ से फ्री हुए थे 11:30 बजे, चूँकि समाप्त हुई थी। उसके बाद डिनर वगैरह करने लगे थे, कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, जल्दी जल्दी में भागा दौड़ी हुई और बस पैकिंग वैकिंग भी मुझे करनी थी इस टाइम पे। तो मेरे को ये था कि पैकिंग में मैं कुछ भूल ना जाऊँ, और पता है मैं भूल भी गई थी, आधा सामान अपना भूल गई थी। तो 12:30 बजे निकले थे, देवर ने बोला कि मैं आया हूँ अब आप साथ में ही चल लो, तो इसीलिए साथ में चले गए थे हम। रात के 3 बजे मिट्टी एक परोठा खा चुके हैं और ये वाली चाय साथ में मक्खन। अब जिम 3 दिन जाना नहीं, दबा के खाओ। फिर 3 दिन के बाद तू वेट अपना कम करेगा, है वेट लिफ्टिंग करेंगे फिर उसके बाद। खाओ पियो आजकल, उठा लो यार सारे। मैं नहीं उठा रही, मैं मेरे को भी 4-5 दिन हो गए इसे भैरी खाना खाते हैं। तो रिश्ते में हम सबको भूख लग रही थी, मतलब मेरे को, मेरे देवर को, रिक भैया और थे, सबको भूख लग रही थी। तो हमने यहाँ पर आलू प्याज का परोठा ऑर्डर किया था और चाय तो सबको ही नीड थी, चाय पीनी थी। तो रास्ते में मतलब मासी जी के घर से आई गेस 15-20 मिनट का रास्ता ही रह गया था, तो बस हमने चाय ऑर्डर की और परोठा वगैरह ऑर्डर किया, साथ में मक्खन था, बहुत टेस्टी मक्खन था और परोठा ही बहुत टेस्टी था। तो फुल इंजॉय किया और बस यहाँ पर मज़े से खा रहे। और नन्नू सो गया था रास्ते में, वो सो गया था 2-2.5 बजे सो गया था, वो भी इसको ज़बरदस्ती सुलाया था कि सो जा नहीं तो सुबह नहीं उठेगा, तो बस उसको सुलाया और फिर हम यहाँ पर रुक गए थे। तो बस यहाँ पर पी लेते हम चाय। All will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. तो बस यहाँ पर बातें हो रही हैं और किसी न किसी को नींद भी आ रही थी। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं मासी जी के घर पे और ये देखो इतना ब्यूटीफुल डेकोरेट हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छी वाइब आ रही थी। और पहुँच गए हैं, मासी जी आई थी गेट खोलने के लिए क्योंकि उनको उठाया था, बिकॉज सारे सो ही चुके थे, आधी रात को हम पहुँचे थे। तो बुआ जी भी साथ में आए थे और बस या नेक्स्ट डे मैं आपको मिलती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि इसके बाद मैं सो ही गई थी, सारे ही सो गए थे क्योंकि भाई रात हो रही थी। I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. बस रात को आते ही हम सो गए थे सारे। उसके बाद मैंने मॉर्निंग में थोड़ा सा आपको जो डेकोर हुआ होता वो दिखा दिया, और दिन में ही ना जो मेरी नंद है उसको मेहंदी लगना स्टार्ट हो गई थी क्योंकि रात को काफ़ी ठंडा हो जाता तो दिन में ही लगाई थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा शूट किया जाए, हाथ की लग चुकी है, एक पैर की लग चुकी थी, बाकी अभी लगनी रहती थी। तो बस उसके बाद सबका नंबर लगता जाएगा, यहाँ पर मासी जी की लग रही है, मैंने कहा मैं पहले सबको सबकी मेहंदी शूट वगैरह कर लूँ फिर मैं लगवाने बैठूँगी। और एक साथ जाओ तो फिर वही है कि
वो भी परेशान होते हैं जो मेहंदी वाले होते हैं, वो उनके ऊपर भी प्रेशर आ जाता है, इसलिए एक एक करके सारे लगवाते हैं। तो मैंने भी दिन में ही लगवा ली थी, तो बहुत ही अच्छी मेहंदी इन्होंने लगाई और सबने ना यही लिखवाया था, दुल्हन की मम्मी, दुल्हन की भाभी, मतलब जिसका जो सा भी रिलेशन था ना, उन्होंने वही वही लिखवाया, मैंने दुल्हन की भाभी लिखवाया था। तो मेहंदी देखो कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही अच्छी लगी थी मेहंदी और कलर भी बहुत अच्छा आया था, हालांकि अभी मेरी मेहंदी हट चुकी है। तो ये देखो हमारी ब्यूटीफुल सी ब्राइड कैसी लग रही है मेहंदी, और वो उनके मतलब फेस में मत जाना, बिकॉज यार बिना रेडी हुए हुए मेहंदी लगवा लेती, क्योंकि रात को रेडी होना था। हमारी मेहंदी लग चुकी है, मेरी लग चुकी है, अब लग रही है विशाली की, ये रही अभी लग रही है इसकी यही मेहंदी, ये और तीशु मैडम मेहंदी लगाने की तैयारी में है। तीशु सी हाय, हाय, नो हाय, नो हाय। ओके तो हम हो चुके हैं रेडी, तो हम जा रहे हैं डिनर में, डीजे नाइट में। लाइट कम है ना, सब रेडी हो गए। ओके चलते हैं, ठंड नहीं लग रही है अभी, ठंड के नाम पे कुछ नहीं है। सही बात, घर में लगती है।